हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में, 2018-19 जो कि पिछली कट ऑफ थी और जो कि एग्ज़ाम होगा 2021 में, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, रेलवे में कट ऑफ जोन वाइज होती है, हर जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है और उससे बस 2 या 3 नंबरों का फ़र्क रहता है उसमें, किसी में कुछ कम तो किसी में कुछ ज़्यादा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो पिछली कट ऑफ गई थी 2018-19 में, इसमें मैं आपको एवरेज मार्क कट ऑफ दिखाऊँगा, यानी लगभग मैं इतने के आसपास गई थी, और आपको रो मार्क कट ऑफ दिखाऊंगा, यानी जो आपके एग्ज़ाम के बाद जो नंबर आए थे, यानी जो नंबर आएंगे और बिना नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी के अंक बढ़ जाते हैं, जो भी मार्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं, 8, 10, 15 जिसके जिस हिसाब से पेपर होता है उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने खोल रखा है, इस पर मैंने जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, रॉ मार्क कट ऑफ 2018-19। देखिए, इसमें जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, लगभग मैं आपको बता दूं, लगभग में जो रॉ मार्क हैं यानी एग्ज़ाम वाले नंबर में, वो 65 से 68 के बीच में, ठीक है। और जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ गई थी लगभग 61 से 64, ठीक। और जो एससी कैटेगरी है उसका आप देख लीजिए, इसमें 57 से 60 के बीच में। और जो एसटी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ गई थी 50+, यानी जिसके 50+ नंबर थे एसटी कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन इसमें हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा जोन था सिकंदराबाद जोन, उसमें मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ, वो भी पीईटी के लिए, यानी फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी उसको दिखाता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है सिकंदराबाद और ये कैटेगरी दिखाई गई हैं। आप यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीईटी के लिए जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में। और जो पीईटी हुआ था उसके बाद कट ऑफ थोड़ी बड़ी थी, ठीक है, छटनी करने के लिए कट ऑफ और बढ़ाई गई थी। तो इसमें आपको दिखा दूँ, इसमें आप देखिए, जो जनरल कैटेगरी यूआर है उसकी जो कट ऑफ गई थी पीईटी के लिए 69.78, और जो ओबीसी है उसकी कट ऑफ गई थी 65.69, एससी कैटेगरी 59.96 और एसटी कैटेगरी 56.68। ये गई थी नॉर्मलाइज्ड मार्क, यानी जो आपके एग्ज़ाम में अंक आए थे उसको नॉर्मलाइज किया गया, उसके बाद ये कट ऑफ गई थी। और जो सिकंदराबाद की फाइनल कट ऑफ गई थी उसको मैं दिखा दूँ आपको। देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे सिकंदराबाद की फाइनल कट ऑफ गई थी उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी, यानी डीवी के लिए जो कट ऑफ गई थी उसमें यहाँ पे यू आर देख सकते हैं, जनरल की 79.37 और ओबीसी की 73.70 और एससी कैटेगरी वालों की 68.21 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 61.46, यानी ये फाइनल कट ऑफ गई थी सिकंदराबाद जोन की, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है। चलिए अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2021 के बारे में, यानी 2021 में लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी। अब देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हर साल कंपटीशन बढ़ जाता है, जो भी नई भर्ती आती है उसके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इस जो लगभग 2021 की कट ऑफ जाएगी उसमें ज़्यादा तो अंतर नहीं पड़ेगा मार्क्स में, कट ऑफ में, क्योंकि जो भी अभी पेपर हुआ है ग्रुप डी का पुराना,
उसमें जितने भी हाई स्कोरर थे वो उसमें चले गए, ठीक है, बाकी कुछ एनटीपीसी में चले जाएंगे, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक दो मार्क्स का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, बढ़ सकती है कट ऑफ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी रो मार्क्स कट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से रो मार्क कट ऑफ 2021, इसमें जो रो मार्क कट ऑफ है, जो यानी एग्ज़ाम देने के बाद नंबर आएंगे, उसमें जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ जाएगी वो 66 से 70 के आसपास, जिनके भी नंबर हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी में जिनके नंबर 62 से 65 के बीच में हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। और एससी कैटेगरी में 58 से 61 के बीच में जिनके नंबर हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एसटी कैटेगरी है उनके 52 प्लस यानी 52 से ऊपर नंबर आ जाएंगे तो उनका 100% उनका चांस है कि हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, आपकी जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं जाएगी। आप ये मत सोचिए कि मैंने अभी पढ़ा कम, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए और बस एग्ज़ाम देते समय गलती ना करें, क्योंकि वहीं से सब कुछ होता है, वहीं से आपके जितने ज़्यादा गलत होंगे उतनी आपके माइनस मार्किंग होगी और आपके नंबर कम आएंगे। आपको एग्ज़ाम में तुक्का नहीं मारना है, गलत नहीं करना है। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम जो पेपर है वो हार्ड आ रहा है या आता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कम कर पा रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो इसमें मैं ज़्यादा कर दूँ, गलत ही लगा दूँ, ऐसा नहीं करना। अगर आपका जो पेपर है वो हार्ड आएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़ाए जाएंगे, उसमें आपका जो भी मार्क्स हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा। मैंने आपको दिखाया है अभी उसमें जो फाइनल कट ऑफ सिकंदराबाद की, तो उसमें कितने अंक बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें किसी को 10 नंबर, किसी को 15, 12, 20, 25, 30, यहाँ तक नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ा जाते हैं। तो आपको पेपर देते समय, एग्ज़ाम देते समय गलत नहीं करना है, जितने हो सके कम तुक्का मारिए, एक या दो जितना भी आपको लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आपके जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आप जवाब आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।